सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरसेस के बारे में। जो वायरस होते हैं, जो मलवार्स होते हैं, वो हमारे पीसी में कैसे एंटर हो जाते हैं और उनको हम कैसे मिटाएं। क्या होता है कि दोस्तों, जब आप अपने इंटरनेट या इंटरनेट का यूज करते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ साथ में 90% चांस होता है कि मलवार्स आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। और वायरस आने का दूसरा कारण होता है कि जब हम कोई ब्लूटूथ वगैरह का यूज करते हैं या शेयरिंग का यूज सिस्टम यूज करते हैं, उससे वायरस आ जाता है। तीसरी चीज है, वो है हमारे यूएसबी कार्ड, पेन ड्राइव जो हम यूज लेते हैं, जिसमें हम डेटा सेंड करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह उनसे आ जाते हैं। चौथी चीज, वाईफाई के यूज। ऐसे कई यूजेज हैं जिनके कारण हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाती है। और एक अच्छा खासा एंटीवायरस हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में होने के बावजूद भी ये वायरसेस नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, ऐसे एंटीवायरस के बारे में बताऊंगा जो 5 ही मिनट में आपके कंप्यूटर से सारे के सारे वायरस ढूंढ ढूंढ कर कोने कोने से सारे के सारे डिलीट कर देगा और आपका पीसी या कंप्यूटर सिस्टम फिर से उसी तरह वर्क करने लगेगा जैसे पहले करता था। सारे वायरस को ये डिलीट कर देगा। तो दोस्तों, जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मलवार बिट। मलवार बिट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने सॉरी इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लगभग 75 MB का आएगा। इस तरह से इसका सेटअप आएगा और सेटअप आने के बाद आप इसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, जैसे अदर सॉफ्टवेयर्स को हम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का आपके पास जो है सॉफ्टवेयर आ जाएगा बन के। ये MP3 सेटअप फाइल से आए डाउनलोड होगा और इस तरह से आपको मलवार बिट्स के रूप में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसे आप ओपन कर लीजिए। ये जो दिख रहा है आपको, इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे करंट अपडेट्स। अपडेट्स करंट, तो पहले आप इस पर अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने पहले से अपडेट कर लीजिए, इस करंट पर क्लिक करके आप अपडेट कर लीजिए। ये चेकिंग अपडेट बताएगा, उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा। जब तक ये अपडेट होने दे इसे, यदि आप इसे अपडेट नहीं होने देते हैं तो दोस्तों होता है क्या कि जैसे ही आप जिस डेट का ये अपडेटेड है उसी डेट तक के मलवार्स को तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसके जो पीछे के जो अपडेट्स है उनको नहीं ढूंढ पाता है। मलवार्स उनको नहीं ढूंढ पाता है, वायरस को नहीं ढूंढ पाता है। तो आप इसे अपडेट होने दे, थोड़ा सा समय लेगा तो आप इसे लेने दे, ज़्यादा समय नहीं लेगा। ये देखिए मेरा अपडेट है, अभी जो 6 तारीख 8 मिनट 2018 2 PM 2 AM तक का ये अपडेटेड है। तो आप यहाँ से इसे करंट पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्कैन नाउ पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें पहले से बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी सेटिंग्स आती है। ये सिर्फ 15 दिन का ट्रेलर आपको मिलेगा। यदि आप इसे परमानेंटली रखना चाहते हैं तो अपग्रेड नाउ यानी परचेज कर सकते हैं। यहाँ से 15 दिन आपके लिए काफ़ी होंगे। तो इसके बाद आप स्कैन नाउ पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली जैसे हम स्कैन नाउ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडोज खुल जाती है और ये फाइल स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये फाइल स्कैनिंग हो रही है। देखिए दोस्तों, एक 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 करके ये फाइलों को इस तरह से स्कैन करता हुआ जा रहा है। जो आप टाइम देख सकते हैं, अभी 2 मिनट और 19 सेकंड 20 सेकंड हुई हुई है और ये अभी सिस्टम स्कैन पर आ गया है। जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट के बारे में कहा था, तो ये 5 मिनट में आपकी फाइल्स को स्कैन कर देगा। देखिए दोस्तों, अब तक मेरे में 7 वायरस है जो ढूंढ ढूंढ कर ये कोनों कोनों तक लेकर आ रहा है। यहाँ पर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से एवरा एंटीवायरस परचेज किया हुआ है, अपडेटेड है, उसके बावजूद भी ये वायरस छिपे हुए थे जो ये से उन्हें ढूंढ कर ला रहा है। ये इस तरह से स्कैन करता हुआ जा रहा है दोस्तों, आप देखते जाइए। दोस्तों, यदि आप इसे परमानेंट रखना चाहते हैं, यहाँ से अपडेट नाउ पर क्लिक परचेज कर लीजिए। डाउनलोड करना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना
ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, जिसको दबाना ना भूले, जिससे क्या वो भी दोस्तों आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ेगा और यूट्यूब भी हमारे वीडियोज को प्रमोट करेगा। आपके लिए लाइक, आपका लाइक ही आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होता है। देखिए दोस्तों 3 मिनट 34 सेकंड हो चुकी है, अभी सिस्टम को स्कैन कर रहा है तो सिस्टम में थोड़ा टाइम लग जाता है। तब तक के लिए मैं एक बार वीडियो, दोस्तों ये स्कैन हो रहा है, लगभग 4 मिनट का समय हो गया है। थोड़ा मेरा सिस्टम में कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर थे इसलिए थोड़ा ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो आप इसे टाइम लेने दें, अच्छे से स्कैन होने दें। ये देखिए दोस्तों ये जो लास्ट स्कैनिंग है वो चल रही है, इसने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, 10 मिनट का इसने टाइम ले लिया, क्योंकि मेरे जो स्कैनिंग सिस्टम, जो मेरा सिस्टम था उसमें 2 यूजर अकाउंट्स थे, उनको स्कैन करने में इसने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, सिस्टम काफ़ी बड़ा था इसलिए। और जो मेरे में वायरस थे वो अभी तक इसने 116 तक खोज निकाले हैं, तो ये स्कैन होता हुआ जा रहा है दोस्तों। ये लास्ट स्कैन इसकी बाकी है, ये इसे स्कैन कर रहा है, स्कैन हो रहा है दोस्तों। आप दे इसे स्कैन होने दे, थोड़ा टाइम ले तो इसे टाइम दे दे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से पूरे स्कैन होने के बाद आपको इस तरह से रिजल्ट दे देगा। जो मेरे में 117 जो आइडेंटिफाई हुए थे वे वो वायरस आ चुके हैं। बस आपको अब सिंपली इस पे कुछ नहीं करना, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सिलेक्टेड पर क्लिक कर दीजिए, जो सिलेक्टेड है वो डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, देखिए दोस्तों आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 से 6 मिनट का, तो आप इन्हें होने दे, ये डिपेंड करेगा कि आपके वायरसेस कितने हैं, टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा दोस्तों। ये बहुत ही फास्टली होता है वैसे तो, पर यदि वायरस ज्यादा होंगे तो टाइम तो ये लेगा ही। ये देखिए दोस्तों होता है ये। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी बात और बतानी थी, मैं आने वाले 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस है, उससे उस दिन हमारे देश आजाद हुआ था, जो अंग्रेजों ने छवि बिगाड़ी थी हमारे देश की, उसको हम सुधारने जा रहे हैं। मेरा मतलब है मैं आपको फोटोशॉप के बारे में बताऊंगा, फोटोज को हाई डेफिनेशन तक एडिट करना, बहुत ही गहराई से एडिट करना, फोटोशॉप पर नॉलेज बहुत ही गहराई से दूंगा, हर एक ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा। एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके सारे वीडियोज देखिए आप, और अच्छी तरह से आप सीखिए कि फोटोशॉप क्या होता है, किस तरह से फोटोज एडिट होती है, उनके सभी के बारे में आपको उन वीडियोज में बताऊंगा, और हर एक एक ऑप्शन के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। उसके बाद में दोस्तों कोरल ड्रॉ के बारे में सिखाऊंगा, जिसमें कि कार्ड एडिटिंग, बैनर बनाने वगैरह, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए से नए वीडियो लाता रहूंगा। और आपके अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सके। तो देखते दोस्तों ये डिलीट हो रहे हैं, थोड़ा ये टाइम लेंगे तो आप इन्हें लेने दे टाइम। ये देखिए दोस्तों ये डिलीट करता हुआ जा रहा है, 108 ने डिलीट कर दिए हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप दीजिए, कुछ नहीं होगा बस दोस्तों, आपका थोड़ा सा टाइम आपके कंप्यूटर सिस्टम में लैपटॉप को खराब होने से बचा लेगा, और आपकी स्पीड को 2 गुना बेहतर बना देगा। देखिए दोस्तों 117वां वायरस जो है डिलीट हो रहा है, ये पूरे पूरे डिलीट होने वाले हैं, देखते जाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों डिलीट हो रहा है, डिलीट होने के बाद में कंप्यूटर रिस्टार्ट मांग रहा है, तो आप इसे रिस्टार्ट कर दीजिए, और रिस्टार्ट करने के बाद बिल्कुल आपका पीसी, लैपटॉप सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो बिल्कुल फ्रेशली चलेगा। अब इसे रिस्टार्ट करना इसे बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने आपके वायरस को डिलीट किया है, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली चलेगा, तो आप इसे रिस्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, किसी नए कंटेंट के साथ, किसी अच्छे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अच्छा सीखने के लिए दोस्तों। फिलहाल के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।